तो हाय गाइस, आज हम सीखेंगे कि रूबिक्स क्यूब की सेकंड लेयर सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको रूबिक्स क्यूब की फर्स्ट लेयर भी नहीं मिलानी आती तो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमको एक एच पीस ढूंढना होगा जिससे एक सीधी लाइन बने। और देखिए ये एक लाइन है, तो अब देखिए ये एक लाइन बन गई, तो इसके ऊपर का कलर देखेंगे। अब देखिए इसके ऊपर ग्रीन कलर है और ग्रीन इस साइड है, तो हम इसको अपोजिट साइड घुमाएंगे। अब ग्रीन इस साइड है तो इसको अपोजिट साइड घुमाएंगे, से इधर ऊपर, इधर नीचे, इधर ऐसे, इधर कैसे, इधर नीचे। अब देखिए यह वाला हमारा पेयर सॉल्व हो चुका है। ऐसे हमको सारे पेयर सॉल्व करने हैं। तो देखिए ये एक लाइन बन गई है, इसके ऊपर ऑरेंज कलर है और ऑरेंज इधर साइड है, तो हम इसको अपोजिट साइड घुमाएंगे। तो देखिए ये वाला पेयर भी हमारा सॉल्व हो चुका है। ऐसे ही हमको सारे पेयर अब सॉल्व करने हैं। अब देखिए ये भी एक लाइन है, इसके ऊपर रेड कलर है, रेड किस तरफ है, इस तरफ, तो इसको सिंपल दोबारे अपोजिट साइड घुमाएंगे। तो ये देखिए ये वाला भी पेयर सॉल्व हो चुका है। अब ये हमारा लास्ट पेयर है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये एक लाइन है, इसके ऊपर ब्लू कलर है, तो हर बार के जैसे अपोजिट साइड घूमेगा। तो चलिए तो देखिए अभी ये हमारी सेकंड लेयर सॉल्व हो चुकी है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।